शर्मा। सीएम पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को रुद्रपुर में जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से भेंट की और उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर स्वामी निश्चलानंद ने सीएम धामी से कई विषयों पर विचार विमर्श किया, साथ ही राज्य एवं देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर विधायक राजकुमार ठुकराल, राजेश शुक्ला, वन विकास निगम के अध्यक्ष सुरेश परिहार उपस्थित रहे। इसके अलावा डीआईजी नीलेश आनंद, डीएम युगल किशोर पंत, एसएसपी दिलीप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई और जिलाध्यक्ष शिव अरोड़ा भी मौजूद रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए करेंगे बात संवाददाता श्रीनिवास पंत से। श्रीनिवास, क्या जानकारी है आपके पास इस पूरी खबर को लेकर? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी को जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के रूप में संगठन ने सौंपी थी, उसका सबसे बड़ा कारण था कि अविश्वास पैदा हुए तमाम लोगों से मुलाकात करना, मुलाकात के साथ ही साथ उनका समर्थन हासिल करना, चाहे वो तीर्थ पुरोहित समाज हो या हर वर्ग का व्यक्ति विशेष हो, या योग आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हो या पीआरडी के जवान हो, हर विभाग के कर्मचारियों के साथ समन्वय बनाते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आगे बढ़े। साधु संत समाज के साथ उन्होंने कई मरतबा वार्ता की है, वो हरिद्वार पहुंचे, मुलाकात की, आशीर्वाद लिया और कहीं ना कहीं आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनका समर्थन भी प्राप्त किया। यही कारण है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो खोया हुआ विश्वास था उसको वापस बनाने में कामयाब हो रहे हैं, और यही कारण भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय आलाकमान का है कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि युवा प्रदेश है, युवा सोच है और युवा चेहरे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनवा खड़ा रहेगा और आगामी 2022 विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। इसी कड़ी में लगातार मुलाकातों का दौर जारी है, सभी लोगों से आशीर्वाद और समर्थन की अपेक्षा की जा रही है। श्रीनिवास, देवस्थानम बोर्ड भंग हुआ है और कई तीर्थ पुरोहितों के साथ साधु संतों का साथ भी मिला था, तो क्या उस पर भी कोई चर्चा हुई इस मुलाकात में? बिल्कुल, देखिए, साधु संतों का भी लगातार एक रूप से सनातन धर्म के प्रचारक के रूप उत्तराखंड की मौजूदा सरकार के ऊपर दबाव था। इस बात को उत्तराखंड की भाजपा सरकार बखूबी समझती थी। ये अलग बात है कि लोगों को समझाने में सरकार कामयाब नहीं हो पाई थी, संगठन कामयाब नहीं हो पाया था, इसीलिए देवस्थानम बोर्ड के मसले पर सरकार को रोल बैक करना पड़ा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती और जनता का दबाव बढ़ते हुए सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। अब इसको दूसरे राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो सरकार ने यू टर्न लेकर के उनका समर्थन लेकर के अपने वोट बैंक को मजबूत करने का काम किया है। लेकिन जिस प्रकार का देवस्थानम बोर्ड को लेकर के चर्चा परिचर्चा हो रही है, सरकार ने रोल बैक करने के साथ साथ उस अविश्वास को खत्म करने का प्रयास शुरू किया है, यानी सरकार झुक करके उनका समर्थन लेकर के आगामी चुनाव में कोई विरोध ना हो, कोई आक्रोश ना पैदा हो, वोट बैंक पर उसका असर ना पड़े, इसकी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। तो इन सभी लोगों से मिलने के यहाँ पर कह सकते हैं कि सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी या फिर कुछ और भी मायने इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, मायने कई सारे इस मुलाकात के और ये ऐसी तमाम मुलाकातों के निकाले जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सुबह से लेकर शाम तक, देर रात तक काफी बिजी शेड्यूल इसी कड़ी में चल रहा है, क्योंकि दौरा प्रधानमंत्री के उत्तराखंड आने का है, मौका है, और ऐसे में तमाम साधु संत समाज से भी मुलाकात करके उन्होंने एक आशीर्वाद या यूं कहें कि प्रधानमंत्री की जनसभा को सार्थक बनाने का समर्थन भी प्राप्त किया है। इसको देवस्थानम बोर्ड के नजरिए से भी देखा जा सकता है, प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक रैली होगी, उत्तराखंड के लिए चुनावी शंखनाद होगा, उसके कड़ी में भी सिर्फ एक मुलाकात नहीं, लगातार मुलाकातें हो रही हैं, हर प्रकार के व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष, समुदाय विशेष से मुलाकातों का दौर मुख्यमंत्री का लगातार जारी है। और कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए चुनाव बहुत नजदीक है श्रीनिवास, ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं इनके वोट भी अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश बीजेपी सरकार की, क्योंकि ये पूरा कुनवा, ये पूरा समाज जो है किसे वोट देगा या किस सरकार की तरफ आकर्षित होगा, ये जानने की भी कोशिश सीएम धामी जरूर कर रहे होंगे मन ही मन में। बिल्कुल, सरकार, देखिए, सिर्फ मन ही मन का सवाल नहीं है, सरकार लगातार फीडबैक लेती है और फीडबैक इंटेलिजेंस के थ्रू आता है। जब फीडबैक लिया जाता है किसी भी कार्यक्रम में, लोगों का जन सहभागिता कितनी है उसकी सैंपलिंग के आधार पर यह तय किया जाता है क्या वाकई में लोगों में आक्रोश है या आक्रोश धीरे धीरे कम होता जा रहा है या और बढ़ता जा रहा है। इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार फैसला लेती है, सर्वे कराती है, संगठन अपना सर्वे अलग कराता है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर सरकार अपना आकलन खुद करती है कि जो जनता के लिए बनाई गई योजना
उसका धरातल पर फीडबैक क्या है, फीडबैक जब सरकार को मिलता है उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। और सरकार और संगठन एक ही पहलू पे दो सिक्के हैं, क्योंकि दल एक है, और ऐसे में जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर उन तमाम आवेदकों का भी चयन किया जाता है जो जिताऊ के तौर पर कैंडिडेट बने, यानी विधायक बने और सत्ता में एक बार फिर से वापसी हो। इसके लिए तमाम रणनीतियां संगठन स्तर पर, सरकार स्तर पर लगातार चलाई जाती है। उसी का नतीजा है कि हर प्रकार के जो मेल मिलाप हैं या मुलाकात हैं, शिष्टाचार मुलाकात उनको नाम दिया जा रहा है, लेकिन उसमें राजनीतिक वार्ता जरूर होती है। ठीक है श्रीनिवास, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए।